नमस्कार दोस्तों, और मेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चुकंदर को खाने से कैसे फैटी लीवर और ब्लड प्रेशर और आंखों की रोशनी में फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सीधे आप तक पहुँच सकें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों, चुकंदर एक सब्जी है जिसको हम कच्चा ही सलाद में खा सकते हैं, अर्थात कच्चा और पकाकर दोनों ही तरीके से खा सकते हैं। इसका रस तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि गुणों का खजाना है। लोग इसको सिर्फ खून बनाने के लिए जानते हैं, मगर वो इसके दूसरे फायदे नहीं जानते होंगे, जैसे यह लीवर से फैट हटाने के लिए बहुत ही रामबाण है। आंतों में फैली हुई गंदगी के अवरोध को समाप्त करने के लिए, आपकी आंखों को फिर से रोशन करने के लिए, और यह नहीं रुकता तो यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए ये अमृत के समान है दोस्त। तो आइए जानते हैं कैसे चुकंदर के सलाद को किस किस चीज़ के साथ खाने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। दोस्तों, हमें चाहिए 2 चुकंदर, 2 प्याज, 1 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच सिरका और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। सबसे पहले चुकंदर और प्याज को सलाद के रूप में काट लें। इस पर सिरका और तेल छिड़क दीजिए और इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला दीजिए। अब यह आपका सलाद तैयार है। इसको खाना कैसे? भोजन करने के 1 घंटा पहले आप इससे सलाद का भरपूर आनंद लें। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 1 महीने में आपको पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर मिलेगा दोस्तों। और इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। लीवर स्वस्थ होगा, आँखों की रोशनी में गजब का परिवर्तन मिलेगा, ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभ होगा, हृदय सही ढंग से काम करेगा। दोस्तों, प्रयोग करते समय चाय, चीनी, मैदा और सफ़ेद नमक से बिल्कुल परहेज करना दोस्तों। इनका नहीं यूज करना आपने, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज ही अपने अपने भोजन में चुकंदर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इसके फ़ायदे लें दोस्तों, और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।